मध्य प्रदेश में पहले अतिथि शिक्षकों की भर्ती में काफी गड़बड़ी की खबरें सामने आई। उसके बाद स्कूल शिक्षा विभाग और डीपीआई ने मिलकर अतिशेष यानी सरप्लस टीचर्स की काउंसलिंग शुरू कर दी। अब यही काउंसलिंग लगता है मध्य प्रदेश में एक और आंदोलन की वजह बनने वाली है। पहले शिक्षक संगठन ने अतिशेष शिक्षकों की काउंसलिंग के विरोध में धरना दिया था, तो अब शिक्षक कांग्रेस ने शिक्षकों को परेशान करने का आरोप लगाते हुए आंदोलन करने की चेतावनी दी है। शिक्षक कांग्रेस के अंदर अलग अलग समस्याओं को लेकर काफी नाराजगी है। इनका आरोप है कि नए नए तौर तरीकों से स्कूल शिक्षा विभाग शिक्षकों को परेशान कर रहा है। शिक्षक कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि उच्च पद प्रभार की प्रक्रिया के बीच अतिशेष शिक्षकों की काउंसलिंग की गई, जो कि पूरी तरह गलत है। इसका असर ये होगा कि अब शिक्षक का ट्रांसफर हो जाएगा। दूसरी तरफ इनका ये भी आरोप है कि स्कूलों में तिमाही की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं, ऐसे में बच्चों की पढ़ाई भी काफी प्रभावित हो रही है, इसलिए अब शिक्षक कांग्रेस ने आंदोलन करने का फैसला किया है। दरअसल स्कूल शिक्षा विभाग और डीपीआई की मनमानी नई बात नहीं है। एक तो इतनी लेट शिक्षकों की सुध ली गई, उसमें भी एग्जाम सिर पर है, फिर जब साल खत्म हो जाता है तब शिक्षकों को ही निशाना बनाया जाता है कि उनके सब्जेक्ट का रिजल्ट खराब रहा, जबकि हकीकत तो ये है कि शिक्षकों को तो पूरा समय ही नहीं दिया जा रहा है। लेटेस्ट इन्वेस्टिगेटिव और इनडेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasutra.com।